नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बायजूस पुंडिचेरी T20 सीरीज के जो मैच नंबर 31 खेला जाएगा पैंथर्स 11 वर्सेस तुस्कर 11 के बीच में। दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। पैंथर्स 11 के टीम ने अभी तक इस सीरीज के 10 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 8 मैचेस विन किए हैं और तुस्कर 11 के टीम ने 9 मैचेस खेले हैं जिसमें से मात्र 3 मैचेस में ही जीत हासिल किया है। दोस्तों इस मैच में हम लोग पैंथर्स 11 के मैक्सिमम खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राई करेंगे क्योंकि ये टीम के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा। ये टीम काफ़ी स्ट्रांग टीम है तो याद रखना इस टीम से हम लोग मैक्सिमम खिलाड़ी को ट्राई करेंगे। जो आगे आप देखोगे दोस्तों सारे खिलाड़ी का डिटेल्स कि कौन से खिलाड़ी ने किस प्रकार यहाँ पर इस सीरीज के खेले गए 10 मैचेस में परफॉर्म किए हैं, यानी कि कौन से खिलाड़ी ओपन किए हैं, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आए हैं, सारे खिलाड़ी का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो भाइयों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना अगर आप इस मैच में एक शानदार टीम पाना चाहते हैं। और दोस्तों अगर स्टेट्स हमारे पसंद आते हैं और अगर आपको आने वाले मैचेस का वीडियो चाहिए मेरे भाई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो दोस्तों। और साथ ही साथ यहां पे दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे गाइस अपडेट लाता हूँ यानी कि लाइनअप आने के बाद कोई अगर नए खिलाड़ी इन करते हैं, कोई खिलाड़ी को यहाँ पर अगर ड्रॉप करेंगे तो दोस्तों फाइनल टीम आपको अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल फ्री है और 21,000 प्लस यूजर ने ज्वाइन कर लिया है तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका लिंक दो जगह मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में पहला लिंक दे दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी यहाँ पे लिंक यहाँ पे पिन कर दिया गया है इस ग्रुप का लिंक। तो आई थिंक आपने ज्वाइन कर लिया होगा। देखो अगर आप हमें सर्च करके ज्वाइन करते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे 21,000 आपको यहाँ पे कुछ यूज़र देखने को मिलेंगे 400-500, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और आप यहाँ पे गए सब्सक्राइबर देख के ही ज्वाइन करना क्योंकि इस नाम से काफ़ी फेक चैनल बना है तो ये चीज़ आप यहाँ पे बच के रहना। दोस्तों आपके लिए आसानी होगा कि लिंक को ज्वाइन कर लो जल्दी से लिंक को क्लिक करके, क्योंकि लिंक को जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट इस ग्रुप में आप यहाँ पे गए पहुँच जाओगे और आप जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। तो दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा आसान होगा और जल्दी से ज्वाइन कर लेना चाहिए दोस्तों आपको क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और फाइनल अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स। तो मैं आपको बताते चलूं दोस्तों कि इस सीरीज के सारे मैचेस तो एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं और यहाँ का पिच जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि बॉलर्स के लिए काफ़ी बढ़िया पिच है और बिल्कुल कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कई मैचेस यहाँ पे ऐसे गए जो कि टीम ऑल आउट होते हुए दिखा है। तो चलिए पैंथर्स 11 की टीम की पहले बात करेंगे जो मैक्सिमम इस टीम से हम लोग खिलाड़ी को लेते हुए चलेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे गए इसमें सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के साथ इस सीरीज के परफॉर्मेंस के यहाँ पर रिपोर्ट देने वाला हूँ। देखो प्रियम आशीष जो कि टीम की ओपनर बल्लेबाज है, इस बंदे ने पहले मैच में 25 रन स्कोर किए थे, फिर यहाँ पे 14 रन बनाए थे, फिर 19 रन, फिर 30 रन, फिर 1 रन, फिर 58 रन, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 62 रन का पारी खेलते हुए दिखेंगे। देखो टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे लेकिन बहुत ही सुपर खिलाड़ी है, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे रोहित की बात करेंगे तो ये भी टीम के बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, ये भी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे प्लस आपको पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। देखो लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला है लेकिन 20 रन स्कोर किए थे और 21 रन खर्च किए थे पूरे ओवर में। लेकिन अगर इनके पहले मैच में देखोगे तो 30 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे 2 विकेट अटकाए थे, 33 रन बना के, 35 रन बना के 1 विकेट, यानी कि खिलाड़ी कभी भी आपको गाइस यहाँ पे निराश नहीं करेगा, या बल्लेबाजी से हो या फिर गेंदबाजी से हो आपको किसी से स्कोर दे सकते हैं। कभी कभी दोस्तों देख सकते हो काफी बड़े स्कोर किया, यानी कि बल्लेबाजी से और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट्स दिए हैं और यही कारण है कि मैं आपको रेफर करूंगा कि कैप्टनसी के लिए आप इस बंदे को ट्राई कर सकते हो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ सैमुअल के बारे में अभी तक 3 मैचेस ही खेले हैं और इस मैच भी खेलने के काफ़ी कम चांसेस है तो इनके बारे में आप जान लो अगर लाइनअप आने के बाद खेलते हैं तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। पहले मैच में 29 रन, दूसरे मैच में 11, फिर 12 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। अमीर जिसम की बात करेंगे टीम का फर्स्ट रन का खिलाड़ी है, पहले मैच में 56 रन, फिर यहाँ पे 25 रन, फिर 9 रन, फिर 54 रन, 51, 6 रन बना के 3 विकेट, 62 रन बना के 1 विकेट, फिर 29, फिर यहाँ पे 19 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। देखो ये टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो बल्लेबाजी यहाँ पे बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, गेंदबाजी दोस्तों अभी तक इस सीरीज के 2 ही मैचेस में की है और दोनों मैच में इनको सफल ओवर रहा है तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बॉलिंग इनको रेगुलर नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ बल्लेबाजी से बहुत शानदार ये आपको स्कोर दे सकते हैं और कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए चाहो तो ले सकते हो लेकिन बॉलिंग ये ना के बराबर करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे शिवम का स्टेट्स कुछ खास इनको ड्रॉप करेंगे, इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। शिदक की बात करेंगे देखो पहले मैच में इनको 1 विकेट मिला, फिर फ्लॉप रहे, फिर 3 विकेट, फिर फ्लॉप रहे, फिर इन्होंने 1 विकेट निकाले हैं। वहीं रोहित की बात करेंगे दोस्तों ये भी टीम का बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, पहले मैच
मैच में ये बंदा एक रन बनाए था, फिर पांच रन बना के दो विकेट, फिर 16 रन, फिर एक रन बना के एक विकेट, फिर 35 रन बना के एक विकेट, फिर 32 रन बना के दो विकेट, फिर 30 रन बना के एक विकेट निकाले थे, और लास्ट में उन्होंने 20 रन बनाए थे और इसमें हालांकि विकेट नहीं निकल पाए थे। लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी बहुत ही सुपर खिलाड़ी रहेंगे दोस्तों, मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार का ये इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्टनसी के लिए भी इनको इंपॉर्टेंट बता रखा है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नाह के बारे में। देखो पहले मैच में 48 रन बना के दो विकेट, सेकंड राउंड का ये खिलाड़ी है, दूसरे मैच में 26 रन बनाए थे विकेट नहीं मिला, फिर 11 रन बनाए थे इससे विकेट नहीं मिला, 7 रन बना के दो विकेट, 9 रन बना के एक विकेट, फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहे, फिर यहाँ पे 8 रन बना के दो विकेट निकाले, लास्ट में ये बंदा फ्लॉप रहा है। लेकिन ये गाइस टीम का सेकंड राउंड का खिलाड़ी है, प्लस आपको 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, ये चीज याद में रखना दोस्तों, ये भी बहुत ही सुपर मुझे लग रहा है। बाकी इनके बारे में बात करेंगे तो पहले मैच में 7 रन स्कोर किए थे विकेट नहीं मिला, फिर 22 रन बनाए थे इससे विकेट नहीं मिला, फिर 24 रन, फिर 26 रन बनाए थे इससे विकेट नहीं मिला, फिर 37 रन बना के दो विकेट, लास्ट में ये बंदा फ्लॉप रहा है। वहीं अभिन मैत्रे की बात करेंगे तो पहले मैच में 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहे हैं। भरत भूषण जो कि पहले मैच में तो 1 विकेट इन्होंने निकाले हैं, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 विकेट, फिर फ्लॉप रहे, फिर 44 रन बनाए थे इसे विकेट नहीं मिला दोस्तों, और लास्ट में ये यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बंदर ने 2 विकेट निकाले हैं। देखो बॉलिंग आपको पूरे 4 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, टीम के ये मेन बॉलर है, एज ए बॉलर आप इनको ले सकते हो। बाकी एस संतोष की बात करेंगे तो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहे थे, फिर 11 रन बना के 1 विकेट, फिर यहाँ पे 15 रन बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहे, फिर 17 रन बनाए थे यहाँ विकेट नहीं मिला, फिर 15 रन बना के 2 विकेट, फिर यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहे लास्ट मैच में। लेकिन ये खिलाड़ी 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, थोड़ा लेट बैटिंग जरूर करेंगे, लेकिन गेंदबाजी की बात करोगे दोस्तों तो गेंदबाजी आपको पूरे 4 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना। वहीं बात करेंगे असिफ राजू के बारे में दोस्तों, पहले मैच में 3 विकेट, फिर यहाँ पे 20 रन बनाए थे यहाँ विकेट नहीं मिला, फिर 17 रन बनाए थे यहाँ पे विकेट नहीं मिला, फिर 31 रन, फिर 24, फिर 8 रन बनाए थे विकेट, फिर 12 रन बनाए थे, इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये बीच में बॉलिंग भी करते हुए दिख रहा है और गेंदबाजी भी काफी लेट बैटिंग करेंगे, मेरे हिसाब से दोस्तों इनको आप जीएल में ले सकते हो। बाकी शाही शरण की बात करेंगे, देखो इस सीरीज में अभी तक इन्होंने बॉलिंग करा है काफी बढ़िया से, एक ही मैच में इनको विकेट नहीं मिला और बाकी के सारे मैचेस में इनको काफी बढ़िया विकेट मिला है, तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी इनके बारे में कुछ इनका कुछ खास स्टेट्स नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक ही मैच जिस खिलाड़ी ने खेला जिसमें 44 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं, और दोस्तों ये बॉलिंग बहुत ही सुपर किया है, इस सीरीज में अभी तक 3 ही मैचेस खेले लेकिन तीनों मैच में काफी शानदार विकेट इनको मिला और लास्ट में 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं, याद रखना ये आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे और बहुत ही सुपर बॉलर हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पे पैंथर्स 11 का स्टेट्स जो अभी तक खेले दोस्तों, लेकिन सेकंड टीम की बात करेंगे तुस्कर 11 के टीम के बारे में, यहाँ पे आपको ओपन करते हुए दिखेंगे यार सबिनास जो कि देख सकते हो लास्ट में 42 रन का पारी खेलते हुए दिखे, उसके पहले मैचेस में भी काफी बढ़िया उन्होंने खेले हैं, तो इनको ले सकते हो, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। वहीं फवे अहमद की बात करेंगे तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे, टीम का सेकेंड रन का खिलाड़ी है, प्लस आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए एक और चॉइस आपके पास रहता है। के अरविंद की बात करेंगे तो 18 रन यहाँ पे 72 रन, फिर 22 देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने काफी बढ़िया इन्होंने अभी तक सीरीज में इन्होंने भी खेला है, बड़े बड़े स्कोर किए हैं, तो आप इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 खिलाड़ी इस टीम के तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, अंकित अग्रवाल जो कि स्टार्टिंग के कई मैच में बंदा फ्लॉप रहा है, लास्ट के 3 मैचेस में यहां पे लगभग ठीक ठाक खेले दोस्तों, देख तो इनका भी स्कोर मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी इनका स्टेट्स यहाँ पे कुछ खास इनको ड्रॉप करो, अलेति कार्तिक की बात करेंगे दोस्तों, ये भी फ्लॉप रहे ऑलमोस्ट देख सो सारे मैचेस में, और यहाँ पे लेना चाहते हैं तो जीएल में ट्राई कर सकते हो, टीम का टॉप ऑर्डर पे लगभग आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे और एक दो मैचेस में खेले भी बढ़िया है तो इनको जीएल में आप ले सकते हो। बाकी इनके बारे में बात करेंगे, 2 मैचेस ही खेले, इस मैच में खेलने का काफी कम चांसेस है इनको, कैसे यहाँ पे दूसरे मैच में 3 विकेट मिला था। बाकी इनके बारे में बात करें तो कैप्टनसी के लिए इनको सबसे ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शन मिला हुआ है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो इस सीरीज में दोस्तों इन्होंने बल्लेबाजी से अपने टीम के तरफ से हाई स्कोरर रहे हैं, काफी बढ़िया स्कोर किया, 35, 39, 43, 31, मतलब अच्छे खासे पारी खेल सकते हैं, प्लस आपको बॉलिंग भी 4 ओवर करते हुए दिखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी अरविंद राज की बात करेंगे तो ये भी बहुत ही सुपर बॉलर है दोस्तों, देख सकते हो बॉलिंग काफी बढ़िया करते हुए दिखे, इस सीरीज में एक भी मैच ऐसा नहीं गया है जहां विकेट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में 26 रन बना के दोस्तों बॉलिंग का यहाँ पे काम कर गया था, तो ये चीज ध्यान में रखना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी इनका स्टेट्स यहाँ पे कुछ खास नहीं है, स्टार्टिंग के मैच में तो फ्लॉप रहे, फिर 2 विकेट मिला, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहे, लेकिन बॉलिंग आपको ये भी करते हुए दिखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, और यही कारण है कि एज ए बॉलर आप इनको ले सकते हैं। एस रोहन जो कि अभी तक इस सीरीज के 2 ही मैच में इनको विकेट मिला और बाकी के मैच में फ्लॉप रहे, पी कुमार का स्टेट्स यहाँ पे देख दो, एक ही मैच में बड़े पारी खेले थे, बाकी के सारे मैच में बंदा फ्लॉप रहा है, और इस टीम से मैंने पहले कहा था कि 4 से 5 खिलाड़ी को आप ले सकते हो, 4 खिलाड़ी कम से कम और मैक्सिमम 5 खिलाड़ी को ट्राई करना क्योंकि काफी वीक टीम है। बाकी इनके बारे में बात करेंगे, 3 विकेट पहले मैच में, यहां पे लास्ट मैच में इनको 2 विकेट मिला है, और दोस्तों अभी तक 3 मैच में खेले जिसमें से एक मैच में फ्लॉप भी रहा था। सौरभ सिंह की बात करेंगे, स्टार्टिंग के 2 मैच में काफी बढ़िया इनको विकेट मिला और लास्ट मैच बंदा फ्लॉप रहा है। आकाश की बात करेंगे जो कि अभी तक 2 से 3 मैच खेले जिसमें से देखोगे तो काफी बढ़िया इन्होंने स्कोर किए हैं, और यही कारण है कि इनको अपने टीम में ले सकते हो, मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है।
तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे दोनों ही टीमों का स्टेट्स, यहाँ पे तुस्कर 11 और यहाँ पे दोस्तों पैंथर्स 11 के खिलाड़ियों का स्टेट्स। दोस्तों सारे खिलाड़ी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन यानी कि बेस्ट टीम तैयार किया हुआ है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से सारे प्लेयर्स का स्टेट्स लाते रहता हूँ। और इसी प्रकार का अगर स्टेट्स देखना आपको पसंद है, आने वाले मैच अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों स्टेट्स हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख रखा है, ये चीज ध्यान में रखना, आपको अगर आपको स्टेट्स देखना है तो आप वीडियो को शुरू से देख जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ी को ट्राई करेंगे जिनको इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। वाई अविनाश जो कि टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम में अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो इस बंदे को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अभी तक बहुत ही शानदार सीरीज में खेले दोस्तों, और तुस्कर 11 की टीम के जीतने की भी ज्यादा चांसेस है। मैंने पहले कहा था कि मैक्सिमम इस टीम से इस खिलाड़ी को हम लोग ट्राई करेंगे, मैक्सिमम यहां से यानी कि तुस्कर 11 की टीम को यहां पे दोस्तों 7 खिलाड़ी तक जा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो जिसमें से वाई अविनाश से शुरुआत करते हैं, लेकिन बैटिंग संघ की बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है। केयरविन बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, और तुस्कर 11 के टीम की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पीएन के टीम की तरफ से मैंने 2 बैट्समैन को लिया हुआ है। देखो आपके पास चॉइस है, अगर खेलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर अग्रवाल खेलते हैं लास्ट मैच में, हालांकि खेले हैं, तो जीएल में आप इनको ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग की टीम यानी सेफ टीम अगर तैयार करना चाहते हो तो आप इन तीनों को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर के बारे में, तो 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी आपके टीम में होने जरूरी हैं, जिसमें से एजिसन जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे तुस्कर 11 के टीम की तरफ से इनको भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा है। आई ना को ट्राई करेंगे दोस्तों, और डी रोहित आपको पता ही होगा टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, प्लस 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने इनको भी अच्छा चॉइस बता रखा है। बाकी जीएल के टीम क्रिएट कर रहे हो तो आप इनको ले सकते हो। बाकी बॉलिंग सन की बात करेंगे तो 3 बॉलर को मैंने लिया हुआ है, जिसमें से बी बोसन को हाई इंपॉर्टेंट बताया है। अगर आपको याद होगा स्टेट्स इनका बहुत ही सुपर है, अभी तक हाईस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे अपने टीम की तरफ से। बाकी एस आई चेतन काफी कम मैचेस खेले, 3 मैच खेले, लेकिन टोटल देखोगे तो काफी बढ़िया विकेट निकाले दोस्तों। बाकी एस सिंह को ट्राई करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर पलानी को ले सकते हो, ये भी काफी बढ़िया चॉइस रहेगा, ये भी आपको बॉलिंग पूरे 4 ओवर करते हुए दिखेंगे। अगर जीएल के टीम क्रिएट कर रहे हो दोस्तों तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो, अपने टीम में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि स्टेट्स आपने भी देखा है सारे खिलाड़ी का दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर फिलहाल टीम प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी की बात करें तो इनको मैंने ट्राई किया हुआ है। बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास चॉइस है, डी रोहित को तो मैंने लिया हुआ है, लेकिन आप एजिसन को भी ले सकते हो या फिर आई नेहा को भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस रहेगा, क्योंकि तीनों को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोनों को मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस बताया है, तो जीएल में तो कम से कम जरूर ट्राई करना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए चेंज करके आप जरूर लेना दोस्तों। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेफ टीम है, यहाँ पे अगर किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो लाइनअप आने के बाद तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को मिस मत करना, इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट भी पिन कर दिया गया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।